हे गाइस, वेलकम टू ई स्कूल एंड कॉलेज। अभी जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 7.1 और चैप्टर है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। और उसमें 7.1 एक्सरसाइज में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सॉल्व करने वाले हैं पहला पार्ट। ठीक है, ओके, तो देखते हैं, अगर प्रॉब्लम हो आप सवाल करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए गए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें चार पॉइंट दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की वैल्यू, ये एक्स वाई, ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि ये चार पॉइंट जो है अलग अलग क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो चार साइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। चार साइड से मिलकर बने क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट गिवन है। अब ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है वो आपको बताना है। अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल का नाम अलग अलग है। जैसे दो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हो, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल हो सकता है और उसके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए और उनके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। चारों साइड इक्वल हैं, उनके डायगोनल इक्वल हैं, तो वह स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। डायगोनल इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल है, तो वो हो जाएगा आपका रोम्बस। तो देख लेते हैं ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इनका नाम बताना है। Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reason for your answer. Justification और reason देना है कि क्यों आप इसका नाम ये क्यों दिया। Property को लिख देना और कुछ नहीं। इसमें तीन part है, तीनों part को हम solve करेंगे, ठीक है। Randomly आप कोई भी quadrilateral बना लीजिए, कि मान लेते हैं ये है quadrilateral, इनका नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक। Point mention कर देते हैं, कहीं पर भी कोई पॉइंट लिख सकते हो आप, ए बी सी डी कहीं पर कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका -1 -2 -1 -2, और ये क्या, नेक्स्ट क्या है, 1 और 0 1 और 0। सी आपका हो जाएगा -1 और 2 -1, 2, और लास्ट पॉइंट जो है -3 और 0 -3 और 0। अलग अलग सभी साइड के डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको, उसी फार्मूले से आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी, फार्मूला आप क्या रखेंगे, आप ये मान लें अगर x1 x2, एक मिनट, ठीक है, अगर x1, x2, y1, y2 ये मानना है तो आप उस हिसाब से मान लीजिए, ठीक। एक इसे मान लेते हैं, पहले वाली वैल्यू x की होती है x1, y1, इसका मतलब -1 जो है x1 है और -2 क्या है, y1। इसे क्या मान लेते हैं, x2, y2, ये क्या है, x3, y3, ठीक, और ये क्या है, x4, y4, ठीक है। जनरल फार्मूला होता है x2 - x1² + y2 - y1², ठीक है। तो आप इनमें से इसे घटा दें या इसमें से इसे घटा दें, वही बात है। अब देखिए, ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x2 - x1² + y2 - y1² देखते हैं क्या आती है। फिर x2 की जगह पर क्या है, 1 -x1 की जगह पर -1 है, -1² + y2 - y1² y2 0 है 0, -y1 की जगह पर क्या है, -2। यहाँ पर ये करली ब्रैकेट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर में लिखना पड़ रहा है, और स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, दो साइन एक साथ आप खोल कर तो नहीं लिख सकते ना, -, ठीक है। तो -2² y2 - y1² ये क्या हो जाएगा, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा -, प्लस हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, 1 + 1² प्लस ये 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 2² ये क्या हो गया, 2² और प्लस ये भी क्या हो गया, 2² ये हो जाएगा आपका 4 + 4 क्या हो गया, 8। अब रूट से जितना हिस्सा, जितना पोर्शन, जितना पार्ट इसका बाहर निकल सकता है उसे निकाल देंगे। पूरा पूरा 8 तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम जानते हैं 4 × 2 अगर किया जाए तो 8 आता है, और 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का,
टू का होल स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया टू रूट टू। ठीक है, टू रूट टू यूनिट यूनिट कह लें या फिर टू रूट टू रहने दें, टू रूट टू आ गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ए बी का है, इसी तरह से आपको डिस्टेंस सभी का निकालना है। बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी सी के लिए क्या हो जाएगा, बस नाम एक्स का चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है, बी सी। तो इन इस एक्स में से इस एक्स की वैल्यू घटा देंगे, यानी कि एक्स थ्री माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, एक्स थ्री माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, आप इक्वल के सामने इक्वल देना, वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं, इस वजह से हमने पीछे थोड़ा शिफ्ट करके लिख रहे हैं। तो x3 की जगह पर क्या है, माइनस वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y3 की जगह पर क्या है, टू माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ये टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर फोर ही हो जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस टू टू टाइम होगा, टू टू ज़ा फोर, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी टू इंटू टू, टू का स्क्वायर का मतलब है दो, दो बार किस चीज़ में, मल्टीप्लाई में, टू इंटू टू फोर, यहाँ भी वही सेम एट, तो वही करेंगे फोर इंटू टू, और ये टू बाहर आ गया और ये टू रह गया। एक मिनट मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो बी सी का डिस्टेंस निकल गया, अभी डिस्टेंस अब तीसरी साइड का निकालेंगे। ए बी का निकाल दिया हमने, ए बी का क्या निकला था, टू रूट टू, बी सी का क्या निकला, टू रूट टू, अब सी डी का निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों हिस्से को लिख लीजिए आप कॉपी में, इसे हम मिटा देते हैं। डिस्टेंस ऑफ सी डी अंडर रूट सी डी के लिए क्या हो जाएगा, इस एक्स से इस एक्स को माइनस कर देंगे, ज़रूरी नहीं है, इस एक्स को भी माइनस कर सकते हो आप, एक्स थ्री माइनस एक्स फोर का होल स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन इसी तरह से लेकर चल रहे हैं तो हम ये लिख देते हैं, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर, वाई फोर माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x4 की जगह पर क्या है, माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y4 की जगह पर ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस टू, ज़ीरो माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस थ्री, माइनस थ्री, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस टू का होल स्क्वायर, ज़ीरो माइनस टू, माइनस टू ही होगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस का मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो भी वही होगा, फोर हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस टू इंटू माइनस टू, टू टू ज़ा फोर, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी फोर। ठीक, ये हो गया एट, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस, फोर इंटू टू सेम आया ना, टू रूट टू, इनका भी टू रूट टू आया। ठीक है, टू रूट टू। ठीक, अभी देखते हैं डी ए। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डी ए, डी ए निकाल लेते हैं। डी ए क्या हो जाएगा, एक्स फोर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स फोर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x4 क्या है, माइनस थ्री माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y4 क्या है, ज़ीरो माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस टू हो जाएगा का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन किसका होगा, ग्रेटर है थ्री तो माइनस टू का होगा, टू का होगा, मतलब माइनस थ्री के पास नेगेटिव साइन तो नेगेटिव का साइन होगा, प्लस माइनस टू का स्क्वायर,
फोर, यहाँ भी फोर सेम आया ना, फोर फोर एट हो गया, ये क्या लिख सकते हैं आप, फोर इंटू टू, इसका मतलब ये क्या आया, टू रूट टू, ठीक है, इनकी भी वैल्यू क्या आ गई, टू रूट टू। तो यहाँ तक नोट डाउन कर दीजिए आप, फिर आगे हम बताते हैं क्या होगा। चलिए इसे मिटाते हैं। अब जो है हम डायगनल निकाल के कंफर्म करेंगे कि कौन सा, अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि चारों साइड इक्वल है, चारों साइड टू रूट टू, टू रूट टू, टू रूट टू ही आया है सबका, तो टू रूट टू। अब ये हो सकता है चारों साइड इक्वल रोम्बस का भी होता है, चारों साइड इक्वल क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर का भी होता है, लेकिन रोम्बस में डायगनल इक्वल नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर में डायगनल भी इक्वल हो जाएगा। डायगनल क्या है, ये अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन है, ये है आपका डायगनल, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ डायगनल, कौन सा डायगनल, एसी, एसी पहले निकाल ले रहे हैं, डीबी भी पहले निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और सी ए बी से बोल सकते हो, सी ए बोलो, एसी बोलो, एसी लिखा। अब एक्स थ्री माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स थ्री माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स थ्री माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर मतलब माइनस वन माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और माइनस निगेटिव फॉर्मूले में भी, प्लस y3 थ्री माइनस वाई वन का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, 2 प्लस टू, ये माइनस प्लस माइनस, ये तो ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, ज़ीरो का स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, अब इसे ख़त्म कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस हो गया, वन माइनस वन जीरो, जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो ही होगा, प्लस प्लस टू, टू का स्क्वायर टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर हो जाएगा, फोर का स्क्वायर मतलब सिक्सटीन हो जाएगा, तो सिक्सटीन फोर का स्क्वायर, ये डायरेक्ट बाहर ही निकाल, तो यहाँ पर से भी निकाल सकते हो, तो फोर आया आपका ये डायगनल की लंबाई, ठीक है। अब देखिए दूसरा डिस्टेंस, दूसरे डायगनल निकाल रहे हैं, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए फिर से, फिर वापस इसे मिटाना होगा, अभी स्पेस कम है इस वजह से ये सब कुछ करना हो रहा है, ठीक है। अब याद रखें ऐसे ए सी है जो फोर निकला हमारा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक्स थ्री माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस वन, माइनस वन माइनस माइनस वन, ठीक है, और टू माइनस माइनस टू, ठीक। चलिए डिस्टेंस ऑफ डायगनल एसी निकाल चुके थे, डीबी लिख लीजिए, डी बी ठीक है, या बी डी लिख लो, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बी डी लिखो, डी बी लिखो, एक बात है। क्या हो जाएगा, एक्स फोर माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, एक्स फोर माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स फोर की जगह पर क्या है, माइनस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर माइनस वाई, वाई फोर माइनस यानी कि ज़ीरो माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और साइन नेगेटिव का होगा, माइनस फोर का होल स्क्वायर, माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन फोर का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये फोर बाहर आ गया, तो डायगनल भी सेम हो गया आपका, ठीक है। तो अब लिखेंगे नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लिख लेते हैं क्योंकि रीज़न भी देने के लिए कह रहा है कि एंड गिव द रीज़न, तो रीज़न आपका ये है, since all the sides of quadrilateral are equal to each other and the diagonal एंड डायगनल का डिस्टेंस भी फोर फोर ही आया, ठीक है, एंड द बोथ डायगनल, बोथ डायगनल
हैव सेम डिस्टेंस, या फिर बोथ डायगनल आर इक्वल टू इच अदर, ठीक है, एंड द बोथ डायगनल आर इक्वल, ये भी देख सकते हो, बोथ डायगनल आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे, या इसके आगे लिखोगे, सिंस द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, सिंस द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ठीक है। सिंस तो लिखा हुआ, हैंस इसलिए, हैंस इसके आगे लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, हैंस यहाँ, यहाँ पर, हैंस द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकंड और थर्ड भी रुक रह रहा है, दो पार्ट और है। हमने तो सोचा था कि एक ही पार्ट में कर लेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।